विवेक अग्निहोत्री ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2005 ईस्वी में आई मूवी चॉकलेट से किया था। इस मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री थे। वैसे इस मूवी में अनिल कपूर, इमरान हाशमी, इरफान खान, अरशद वर्सी, सुनील शेट्टी थे। इस फिल्म का बजट 9 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2007 ईस्वी में विवेक अग्निहोत्री की दूसरी मूवी धन धना धन गोल रिलीज हुआ। इस मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री थे। वैसे इस मूवी में अरशद वर्सी, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, बोमन ईरानी थे। इस फिल्म का बजट 19 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ 72 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2012 ईस्वी में विवेक अग्निहोत्री की तीसरी मूवी हेट स्टोरी रिलीज हुआ। इस मूवी में पाओली डम, निखिल द्विवेदी, मोहन कपूर, मुक्ति मोहन, सौरव दुबे थे। इस फिल्म का बजट 9 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 43 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 2014 ईस्वी में विवेक अग्निहोत्री की चौथी मूवी जिद रिलीज हुआ। इस मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री थे। वैसे इस मूवी में करमवीर सिंह, संजय कपूर, सीरत कपूर, मोहन कपूर, श्रद्धा दास थे। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2016 ईस्वी में विवेक अग्निहोत्री की पांचवी मूवी बुद्ध इन ए ट्रैफिक जाम रिलीज हुआ। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री थे। वैसे इस मूवी में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, माही गिल, अरुणोदय सिंह थे। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल विवेक अग्निहोत्री की छठी मूवी जुनूनियत रिलीज हुआ। इस मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री थे। वैसे इस मूवी में पुलकित सम्राट, यामिनी गौतम, हर्षिता भट्ट, विवेक भटनागर थे। इस फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 13 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2019 ईस्वी में विवेक अग्निहोत्री की सातवीं मूवी द टास्केंट फाइल्स रिलीज हुआ। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री थे। वैसे इस मूवी में नसरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, नंदिरा बेदी थे। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ 84 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2022 ईस्वी में विवेक अग्निहोत्री की आठवीं मूवी द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुआ। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री थे। वैसे इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, मृणाल कुलकर्णी थे। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 340 करोड़ 92 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई।